नमस्कार, ससी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर जलफ्रेजी रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जी काटकर तैयार कर लेते हैं। एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटा है। एक शिमला मिर्च को इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है। हाफ बाउल हमने फ्रोजन मटर लिया है। एक गाजर को भी साफ करके हमने इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 100 ग्राम ये फ्रेंच बीन है, इसको भी साफ करके लंबे टुकड़ों में काट लेना है। 250 ग्राम पनीर है, पनीर को भी इस तरह से हमें लंबे टुकड़ों में काटना है, पर थोड़े से मोटे रखना है, नहीं तो फ्राई करने में टूट जाते हैं। 3 से 4 कली लहसुन को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो इस्तेमाल करें, नहीं तो बिना लहसुन प्याज के भी आप इस सब्जी को बना सकते हैं। 2 छोटी हरी मिर्च को भी हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई या फ्राई पैन रख देंगे। इसमें हम डाल देंगे बटर और इस तरह से चलाते हुए बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा, इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे गाजर। जो सब्जियां देर में पकती हैं उनको हम पहले फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, इससे हमारी सब्जियां क्रंची भी रहेंगी और थोड़ा सा कुक भी हो जाएंगी। इसे हम आधा मिनट इस तरह से कुक कर लेंगे। आधा मिनट बाद अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंच बीन और इसे भी हम हाई फ्लेम में आधा मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा मिनट हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च और इसी समय इसमें हम डाल देंगे हरी मटर। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 मिनट हो गया है, देखिए सब्जी हमारी पक भी गई हैं और इस तरह पकाने से इनका कलर भी नहीं चेंज हुआ है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और सारी सब्जियों को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब फिर उसी कढ़ाई को हम गैस में रखेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और जो हमने पनीर काट के रखा है उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, देखिए पनीर हमारा एक साइड से सिक गया है, तो इसे हम आराम से इस तरह से हल्के हाथों से पलट देंगे जिससे कि पनीर हमारा टूटने ना पाए। इस तरह से सारे पनीर के टुकड़ों को हम पलट कर सेंक लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इस तरह से लाइट ब्राउन करना। इस साइड से भी एक पनीर को हम चेक कर लेंगे, वो भी अगर लाइट ब्राउन हो गया है तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इस तरह से सारे पनीर के टुकड़ों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप कच्चे पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और अब डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और अदरक और लहसुन को भी जो हमने छोटे टुकड़ों में काट के रखा है इसी समय हम उसको भी हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और कलछी की सहायता से इस तरह से चलाते हुए इसको हम भून लेंगे। इसे हमें बहुत अधिक नहीं भूनना है, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम कटी हुई प्याज। प्याज डालकर इसे हम अच्छे से चला देंगे। प्याज को हम इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने 2 कटे हुए टमाटर रखे हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च। इससे सब्जी तीखी नहीं होती है, सिर्फ सब्जी का कलर अच्छा आता है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच कस्तूरी मेथी को इस तरह से हाथ से क्रश करके डाल देंगे। जो डंठल वगैरह होंगे उनको हम बाहर कर देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, पर पहले थोड़ा ही नमक डाल लें, अगर कम लगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अगर मसाले आपको ड्राई लग रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच पानी डालकर मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे हम ढककर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट बाद हम लिड खोल कर देखेंगे। देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए मसालों को भून लेंगे। देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं, मसालों से तेल अलग हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुक करी हुई सब्जियाँ। सब्जी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही हैं। और अब इसी समय इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। पानी डालकर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 3 मिनट बाद हम लिड खोल कर देखेंगे। देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छे से पक गई है। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके पनीर रखा है और हल्के हाथों से इस तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। और अब डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर
और इसी समय डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया और थोड़ी सी हरी धनिया बाद में गार्निश करने के लिए बचा लेंगे और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर दाल फ्रेजी बनकर तैयार हो गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही कम टाइम में आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप पराठा, नान, तंदूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सब्जी 4 से 5 लोगों के लिए पर्याप्त है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ।